हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज 31 अगस्त और बस 5 मिनट रह गए हैं 12 बजने के लिए, और फिर 1 सितंबर शुरू हो जाएगा। और 1 सितंबर को है मेरे बेटे विनय का बर्थडे, तो मैं सोच रही हूँ उसको ना अभी उठा के विश करेंगे। मैंने और उसके पापा ने सोचा कि हम दोनों उसको विश करेंगे। और मुनीश भी ना ऐसे लेटने की सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उसके साथ। और मैंने उसको बोला कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, क्योंकि वो ना वो तो सोता नहीं, जब तक हम नहीं सोए ना तब तक उसको नींद नहीं आती, वहाँ हमें सुला के ही सोता है। पर क्या बोलते, मैंने ऐसे बहाना लगाया उससे कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में, लेटा हुआ नींद नहीं पड़ी उससे। तो चलो फिर उसे उठाते हैं और उसे विश करते हैं। और मैं और उसके पापा ना उसको विश करने के लिए ना उसकी फेवरेट चीज़ लेकर आए हैं। चलो तो फिर विनायक को उठाती हूँ मैं और बर्थडे विश करते हैं उसको हम दोनों मिलके। मनीष देख ले, ये नहीं सोया लड़का, नहीं सोया था, ये एक्टिंग कर रहा था। ये सोया नहीं था, ये हम दोनों को सुला के सोता है। ये नहीं सोता है नहीं। जब तक ये मम्मी पापा को लोरी सुनाता फिर सोता ही है ना। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नहीं, आप सोए नहीं थे ना। नहीं। तो क्यों नहीं सोए थे? सो जाते नींद डाल लेते थोड़ी सी, मेरे उठाने से पहले उठ गए आप, क्योंकि मेरे को पता था आपको नींद नहीं पड़ी है। अकेले नहीं खाते ये, मम्मा पापा के साथ बांट के खाते हैं। शायद कुछ भी है पर शेयरिंग ना अच्छे से कर लेता है। होते ना बच्चे अकेले होते शेयरिंग नहीं करते, पर टचवुड ऐसा नहीं है इसके साथ। चाहे कोई भी होगा ना, अपनी कोई भी चीज़ अच्छे से शेयर करता है ये, मतलब खाने की हो चाहे टॉयज हो इसके चाहे कुछ भी हो। पहले आप खाओ। खाया आपने? हाँ खा लिया, पापा ने मुझे दे दिया। तो मम्मा, मम्मा को नहीं दोगे? पूरी नहीं खाती मम्मा। ये लो। हे पापा कुछ लेके आए हैं भाई। ये तो पेपर है। ओपन करो, कैसी है? पर अब सो जाएंगे ठीक है, ये नहीं रात भर बैठ के चलाता रहे ठीक है, सुबह चला लेना क्योंकि 12 बज चुके हैं। मेरा अच्छा, इसको नहीं तोड़ना। अब कितने रिमोट कार तोड़ चुका है इससे पहले, रिमोट कार, स्टंट कार, क्या क्या नहीं तोड़ बैठा है। अब इसको मत तोड़ना। अच्छा तब आप छोटे थे, अब आप बिग हो गए हो ठीक है। इसमें देख तो सेल है। अच्छा मम्मा को एक बात बताओ, विनायक आपको पता बर्थडे का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है बर्थडे का? बर्थडे का मतलब होता है ये, इसका मतलब ये होता है। क्या होता है बर्थडे का, क्या मतलब होता है विनायक? अच्छा मम्मा की बात सुनो ध्यान से। बर्थडे का पता क्या मतलब होता है? बर्थडे का मतलब होता है कि आप और ज्यादा बिग होगे। आपके जितने बर्थडे आते जाएंगे ना, मतलब आप उतने बिग होते जाओगे। हाँ। और जितने बिग होते जाते हैं ना उतने रिस्पॉन्सिबल होते जाते हैं बंदे ठीक है। तो आप स्मॉल नहीं रहे, आप जो आपने लास्ट ईयर गलतियां की हैं आप इस ईयर नहीं कर सकते उन गलतियों को रिपीट।
मतलब कि आप अपने टॉय नहीं तोड़ोगे अब। हाँ, मैं और मम्मा पापा का कहना भी मानोगे। अरे तो मम्मा। और अपना होमवर्क खुद करोगे, ठीक है? ओके। इधर रैंक देखा, मैं बताऊं क्या? मैं जब इसको ऐसे कर रहा हूँ, बस बच्चों को टॉयज चाहिए होते हैं, इसको ये मिल गया तो मेरी बात तो कौन सुन रहा है। पर ये बात तो मैं इसको जरूर समझाऊंगी कि बर्थडे का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। हम सोचते हैं बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर बर्थडे मतलब है कि हम और बिग हो रहे हैं, और बिग हो रहे हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। चलो फिर, अभी ये थोड़ी देर सोएगा नहीं, 12 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, मेरे को लगता है 12:30-1 बजाएंगे ये, और फिर आज डांट भी नहीं सकती ना इसको ज़्यादा। तो चलो फिर, मैं तो चली सोने, नहीं सो जाएंगे हम, है ना? बाय, और मिलते हैं आपसे कल सुबह, और कल करते हैं विनायक का बर्थडे सेलिब्रेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है 1 सितंबर और आज है मेरे बेटे विनायक का बर्थडे। तो आज हम बहुत खुश है, बहुत 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 खुश है। और चलो, रात को तो इसको विश कर ही दिया था, पर अब फिर से विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मा। विनायक को सुबह से बहुत से कॉल आ रहे हैं इसको बर्थडे विश के लिए, और ये सबसे बात कर करके बहुत खुश हो रहा है, और सबको बोल रहा है मुझे बर्थडे विश करो। मेरे पे गया ना, मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ कि मुझे विश करो, मुझे विश करो, जिसको नहीं करना वो भी करेगा फिर आके। चलो तो फिर, और मुनीश जो है वो रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं जाने की प्लानिंग की हुई है, जिसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। और हम जा रहे हैं मंदिर, और कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहती इसलिए बता रही हूँ कि हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर, जो मनी माजरा में है, और हम पहले वहीं रहते थे, और फिर उसके बाद हम मोहाली शिफ्ट हो गए थे। तो हम सोच रहे हैं कि हम एक बार माता रानी के दर्शन करके आते हैं, और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है, क्योंकि आज विनायक का बर्थडे है। और यहाँ पे मेरा ही प्रसाद जो है बन के रेडी होने ही वाला है, अभी ये रेडी हो रहा है पर अभी हुआ नहीं है, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। विनायक कुछ बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं सब बच्चों को देना है। मैं आपको एक काम दिखाना चाहता हूँ, ये देख मैं ये फास्ट चल रही है कितनी। आओ एक मिनट फ्रेंड्स। मुनीश भी रेडी हो चुके हैं। आर यू रेडी? चलो लेट्स गो। बर्थडे बॉय जो है वो तो पहले ही बाहर चला गया है, जल्दी चलो जल्दी चलो। एक्साइटमेंट तो होती है, जब हम छोटे थे ना हमें भी अपने बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट होती थी, खासकर उस चीज़ की कि स्कूल में कैंडीज लेके जानी है और डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आज संडे है तो विनायक ये जो काम है विनायक कल करेगा, तो चलो। लेकिन आज हम घर पे इसका सेलिब्रेशन करते हैं। केक हम घर पे काटेंगे? हाँ विनायक, घर पे ही काटेंगे, और कहाँ काटेंगे। अरे लजीज ले लिया आपने वो? लजीज नहीं जाएंगे विनायक, क्योंकि उस दिन गए थे ना। फिर चलते हैं। चलो मुनीश केक लॉक कर देंगे और मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। देखो क्या कर रहा है बर्थडे बॉय। मुनीश ने मुझे अभी बताया कि अभी उन्हें पहले ऑफिस जाना है, आज संडे है लेकिन उन्हें ऑफिस जाना है, क्योंकि कुछ काम है थोड़ा सा आधे घंटे का, पहले वो करेंगे उसके बाद जाएंगे हम आगे। पहले मैं प्रसाद रख देती हूँ अंदर, उनके ऑफिस वाले संडे को भी। लो मुनीश आगे रखो। आज का मौसम देखो, आज निकली है धूप, पर कोई बोले बहुत तेज़ धूप है तो बहुत तेज़ धूप नहीं है, ठीक मौसम है। और आसमान में बादल बिल्कुल नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है ना, बादल भी आ जाते हैं और बारिश भी हो जाती है, पर शुक्र है कल बारिश नहीं हुई। कल मैं चाहती थी बारिश ना हो, भगवान ने सुन ली नहीं, क्योंकि ना कपड़े सूख नहीं रहे थे और कल मेरे सारे कपड़े सूख गए। अब बारिश हो भी जाएगी ना तो कोई टेंशन नहीं है।
एक्टिवा के पीछे वाले टायर में हवा थोड़ी कम है, तो मुनीश ने बोला पहले भरवा ही लेते हैं यहीं पे। क्योंकि सफ़र लंबा है हमारा, ऐसा नहीं है कि नज़दीक है, दूर है, काफ़ी दूर है। तो फाइनली हमारी एक्टिवा में हवा भर चुकी है और हम चलते हैं अब यहाँ से आगे। चल चुके हैं हम, मुनीश को यहाँ पे थोड़ा सा काम है आधे एक घंटे का, वो करेंगे ये और फिर हम यहाँ से जाएंगे मंदिर। ये है मिस्टर मुनीश बख्शी का टेबल जिसमें ये बैठते हैं और काम करते हैं। विनायक यहाँ पापा काम करते हैं। डोंट टच एनीथिंग हियर। चलो तो आप चुपचाप हम यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ नहीं सामने बोल रहे हैं आप, यहाँ आप दोनों यहाँ नहीं बैठो, आप वहाँ बैठो बोला। चलो तुम सामने बैठेंगे। अभी मैं यहाँ पे बैठ के मुनीश का वेट कर रही हूँ उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, और पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। तो चलो ये बात है कि हम अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं है, नहीं तो गर्मी लगनी थी बहुत ज़्यादा। तो वो काम कर रहे हैं अपना। क्या कोइंसिडेंस है ना, जा कहीं और रहे थे, पहुँच कहीं और गए, जहाँ पे कभी सोचा नहीं था कि हम आएंगे। हमने क्यों आना मुनीश के ऑफिस, लेकिन हम मंदिर जा रहे थे और फिर मुनीश को काम आ गया, तो मुनीश हमें भी अपने साथ ऑफिस ले आए, क्योंकि अब हमें कहाँ रखते हैं ना वो बीच रास्ते में, तो हमें ऑफिस में बिठा दिया कि तुम बैठो मैं काम करता हूँ, फिर चलते हैं मंदिर। यही तो लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ना, मैं ना मेरे को ना घर पे ध्यान नहीं रहा कि मैंने फ़ोन चार्ज किया या नहीं किया, और मेरी चार्जिंग ना बहुत थोड़ी सी रह गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अगर ख़त्म होगी ना तो मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँगी। शुक्र है फाइनली आ गए, नहीं तो हमें तो नींद ही आ चली थी। विनायक तो सो भी गया था और आधा घंटा बोल के एक घंटा लगा दिया, तो क्या करें, काम तो काम होता है ना, ऑफिस तो ज़रूरी है। चलो कोई नहीं, मुझे लगता है अब हमें शाम के दर्शन होंगे माता रानी के, जैसे माता रानी की मुझी। जय माता दी। फाइनली मुनीश ऑफिस से फ्री हो चुके हैं, अब हम आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। ऐसे हमने सोचा था, इस वक्त हमने वापस हट के घर पहुँच जाना था, लंच हमने घर पर करना था। अभी लंच टाइम तो हमें यहीं पे हो गया, 1:30 बज चुका है और मंदिर पहुंचते पहुँचते वही टाइम हो जाएगा, शाम के दर्शन होंगे हमारे। मंदिर की मुख्य पार्किंग, जय माँ मनसा देवी की बोलो। पता है मनसा देवी माता रानी किसकी बेटी है? भगवान शिव जी और माता पार्वती की। आपको पता है कि माँ मनसा देवी भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी की बेटी है? लेकिन फिर भी चलो बता देती हूँ मैं।
यहाँ से मंदिर का टॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सुंदर सा पार्क भी है। ये मंदिर की मेन एंट्रेंस है और उसके साथ ही पार्क भी है, बहुत बड़ा पार्क है। अभी शॉप है, इसे हम भी माता रानी के लिए कुछ सामान ले लेते हैं चढ़ाने के लिए। चलिए, नहीं अभी के लिए बड़ी लेते हैं ना, घर के लिए छोटी। सामान लेके फ्री हो चुके हैं, चलो तो सामान लेके तो हम हो गए, चलते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं। बोलो जय माता दी। Thank you.
ये सामने पटियाला मंदिर दिखाई दे रहा है जो माता रानी के मंदिर के आगे आकर ऊपर आकर बना हुआ है। और ये है लंगर, यहाँ पे भंडारा लगता है। और इस भंडारे के ऊपर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है जहाँ पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम पहले यहाँ पे पटियाला मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये है वटवृक्ष, और आगे यहाँ पे बेलपत्र के पेड़ भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो हम सो के उठ चुके हैं और अब विनायक की केक कटिंग करेंगे। हमने किसी को नहीं बुलाया है, बस मैं, मुनीश और विनायक है। और बस मैं, मुनीश और विनायक ही है, और हम तीनों ही केक कट करेंगे। हमने बहुत कुछ था कि विनायक के बर्थडे के लिए हमने कुछ स्पेशल करना था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हमने वो नहीं किया। रीज़न ये है कि मुनीश को ऑफिस जाना पड़ गया ना, इसलिए वो प्लानिंग हमारी कैंसिल होगी। विनायक के दादाजी का घर से कॉल आया है। विनायक, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 7 इयर्स ओल्ड। गुड, नाउ यू आर बिग बॉय। मैं कब तक मुझे वीडियो कॉल डैडी? ये देखो, चलो विनायक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब आप खिलाओगे मुझे तब मैं आपको भी खिलाऊंगा। मुझे खिलाओगे आप? अच्छा, केक तोड़ दोगे ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको तंदुरुस्ती दे, हमेशा खुश रखे और खूब तरक्की दे। ये कौन सा फ्लेवर है? पाइनएप्पल। विनायक को ये इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में विनायक को गिफ्ट मिला था, और इस ब्लॉग के एंड में इस कार के पुर्जे पुर्जे अलग हो रहे हैं। कहाँ गया टायर? ये देखिए, इसने इसके पुर्जे अलग कर दिए। अब इसके पापा ने इसको ठीक किया दोबारा। तो विनायक के टॉयज जो है विनायक के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन ये चल जाएगा, तो मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा चल गया है। विनायक, विनायक आज इसका टायर निकला है, कल इसके बाकी के पार्ट्स निकलेंगे, है विनायक? और 2-4 दिन में ये बिल्कुल डिसमेंटल हो जाएगी। खुद ही निकला। देखो पापा, भाई पापा इसको डिफेंड कर रहे हैं। कौन डिफेंड कर रहा है? सच बोल रहे हो? इसको ट्रेनिंग दिलवाओ ड्राइविंग स्कूल में, ठीक से कार चलाने नहीं आ रही इसको। हम भी अब डिनर वगैरह करके फ्री हो चुके हैं, और आज के ब्लॉग में आपने देखा कि हमने विनायक का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, कि हमने आज के दिन क्या क्या किया। लेकिन मेरी बैटरी फ़ोन में थोड़ी कम थी, तो जब हम मंदिर पहुँचे तो मेरा फ़ोन जो वो डिस्चार्ज हो गया था। तो मैंने दूसरे फ़ोन से थोड़ा सा शूट तो किया, वीडियो शूट ना, लेकिन थोड़ी देर में वो फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया। और मतलब हमने उसके बाद बहुत इन्जॉय किया है, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई और आप लोगों से शेयर भी नहीं कर पाई, जैसे हमने इन्जॉय किया, उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि वो मंदिर बहुत बड़ा है, उसके ऊपर भी बहुत मतलब उसके ऊपर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी है,
उसके ऊपर फिर हम गए बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है उसके ऊपर, फिर जो दूसरा मंदिर मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर गए, वहाँ पे बेलपत्र का बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे, हमने बेलपत्र तोड़े और फिर उसके बाद हमने लंच भी किया बहुत अच्छा सा, और फिर हमने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और फिर हम शाम को 6 बजे घर पहुँचे, फिर उसके बाद हमने रेस्ट की, और उसके बाद का तो आपको पता ही है, मैंने फिर से फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के बाद आपको दिखाया कि हमने क्या किया। तो ये था हमारा आज का दिन, आई होप यू लाइक दिस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।